बसमिल्लर गुज़त कल भी जजाउलमाल में से बात शुरू हुई और कल की मजलिस में ये तस्करा हुआ कि इंसान दुनिया में जो अमल करता है आखिरत में इसकी कोई ना कोई सूरत जिसको सूरत मिसाली कहते हैं वो ज़रूर अल्लाह पाक बना देते हैं अगर ख़ुदा न खास्तः ये दुनिया का अमल नाफरमानी और गुनाह वाला हो तो क़्यामत के दिन जो उसकी सूरत मिसाली है वो उसी तरह एक कबीर और बदतरीन शक्ल होगी जैसे कल बात हुई अगर बंदा दुनिया में कोई नेक अमल करता है अल्लाह को राज़ी करने वाला अमल करता है तो उसकी जो सूरत मिसाली होगी वो उस एतबार से ख़ूबसूरत शक्ल होगी तो आज उन चंद का तस्करा है वो नेक आमाल जो बंदा दुनिया में कर ले तो उसकी जो सूरत मिसाली है एक अच्छी ख़ूबसूरत शक्ल है वो क्या होती है आख़िरत में फरमाते हैं कि अल्लाह का ज़िक्र अगर कोई बंदा दुनिया में कसरत से करता है तो उसकी सूरत मिसाली आखिरत में वो जन्नत के दरख्त की शक्ल में होगी जो ज़िक्र है अल्लाह पाक का इसको गोया अल्लाह पाक जन्नत के दरख्त की शक्ल दे देंगे और दरख्त एक नहमत है एक हरियाली है एक सुकून है सब्जा है हज़रत अब्दुल्ल अबन मसरूद रज़ी अल्लाह की रिवायत है फरमाया कि जनाब रसूल सल्हु वसलम ने फरमाया कि जब महराज की रात मेरी मुलाकात हुई हज़रत इब्राहीमत वसलाम से तो उन्होंने फरमाया कि महमद सल्ला वसम अपनी उम्म को मेरी तरफ़ से सलाम कहिए जवाब देंगे ना वालेकम्म सलाम कहिए और ख़बर दीजिए कि जन्नत एक साफ़ सुथरी मिट्टी वाली और शीरी पानी वाली जगह है और उसके जो दरख्त है वो तस्बीह और ज़िक्र सुबहानल्लामदिल्ल वल्लाहु अकबर है तो ज़िक्र के जितने कलिमात इंसान ज़बान से अदा करता है तो ये आख़िरत में जन्नत के क्या बन जाएंगे दरख्त बन जाएंगे ये इसकी एक सूरत मिसाली दूसरी चीज़ फरमाते हैं क़ुरान करीम की दो सूरतें सूर बकरा और सूर अल इमरान जो इनकी तिलावत अहतमाम से दुनिया में करेगा तो इसकी सूरत मिसाली क़्यामत के दिन बादलों और परिंदों की शक्ल में होगा बादल और परिंदे हज़रत नवास इबन समी से रिवायत है वो फरमाते हैं कि मैंने रसूल सला वसल्लम से सुना कि क्यामत के दिन कर्न करीम को लाया जाएगा और जो उस क़ुरान पर अमल करते थे उन कुरान वालों को भी लाया जाएगा तो आगे आगे दो सूरतें चल रही होंगी सूर बकरा और सूर आल इमरान और ये ऐसे होंगी जैसे कि बादल होते हैं और इनके बीच में एक चमक होगी और ये परिंदों के मिसल कतारे बांधकर उड़ रहे होंगी और ये दो सूरतें अपने पढ़ने वालों के लिए उस उस़यामत के मैदान में अल्लाह से सफारिश करेगी तीसरी बात फरमाते हैं जो दुनिया में कसरत से सूरह इखलास पढ़ता है सूरह इखलास कौन से पारे में तीसवें पारे आखिरी पारे में अहद तो सूर अखिलास की जो सूरत मिसाली है आख़िरत में जन्नत में वो क्या है प्रमाते वो मिसल कसर यानि एक महल की तरह है जो सुर अखलास एक मरतबा पढ़ता है तो उसको अल्लाह पाक एक महल की शक्ल दे देते इसलिए सईद इबन मसीब रहा से मुरसलन रिवायत है कि आप सलासलम ने फरमाया जो शख्स सुर इखलास दिन में दस मरतबा पढ़ लें कितनी मरतबा दस मरतबा पढ़ लें तो उसके लिए जन्नत में एक महल तैयार होता है जो बीस मरतबा पढ़ लें उसके लिए दो और जो तीस मरतबा पढ़ लें तो उसके लिए तीन महल जन्नत में हज़रतमर रजील तु ने जब सुना फरमाया अल्लाह की कसम फिर तो हम बहुत सारे महल बना लेंगे तो आप सलात वसलाम ने इर्शाद फरमाया कि उमर अल्लाह पाक का फजल और इनाम इससे भी ज़्यादा है तो अल्लाह पाक के ख़जानों में तो कमी नहीं इंसान जितना ज्यादा पढ़ ज्यादा महल बन जाएंगे तो सूर्य अखिलास को इंसान दिन में कम अज़ कम कोशिश ये करे कि एक ऐसा भी वजीफा और मामूल हो हमारा कि हम एक वक्त बैठ कर सरा अखलास को दस मरतबा पढ़ लें बहुत सारे ऐसे सालही नेक लोग होते हैं जो रोज़ाना अपने मामूल में सूर्य अखलास सौ दफ़ा मुस्तकिल पढ़ते हैं सौ दफ़ा तो उनके कितने महल बन गए दस महल बन गए चौथी बात फरमाते हैं अगर दुनिया में कोई आदमी ऐसा अमल कर ले कि जो अमले जारी होमल जारी का मतलब ये है कि बाज़ अमाल बंदा दुनिया में ऐसे कर जाता है कि जिन आमाल का सिलसिला रुकता नहीं वो चलता चला जा रहा है मिसाल के तौर पे कारी साहब ने एक बच्चे को कुरान याद कराया मेहनत की उसको हाफिज़ बना दिया अब अब ये बच्चा बड़ा हुआ ये भी उस्ताद बन गए कारी साहब दुनिया से चले गए अब ये जितना सिलसिला जहाँ तक जाएगा जितने बच्चे पढ़ेंगे तैयार होंगे तरावी सुनाएंगे तिलावत करेंगे औरों को पढ़ाएंगे ला तो अला तो पता नहीं कहाँ तक ये सिलसिला चला जाता तो ये अमल कहलाता है अमल जारी कहलाता है या जैसे किसी ने पानी पानी का मटका रख दिया पानी की मशीन लगा दी अब उससे पानी चल रहा है जितने लोग उससे पी रहे हैं उससे जानवरों को पिला रहे उससे परिंदे पी रहे एक सिलसिला चल रहा तो जो अमल जारी है फरमा क़्यामत के दिन इसकी सूरत मिसाली एक ख़ूबसूरत पानी के चश्मे के मिसल होगी हज़रत अमसारिया अन्हा से रिवायत है कि मैंने हज़रतमान इबन मज़मून रजी अल्ला के लिए ख्वाब में देखा कि उनके पास एक चश्मा है जो कि जारी है तो ये ख्वाब मैंने आप सलाम से अर्ज़ किया कि इसकी ताबीर क्या है आपने फ़रमाया कि ये उस्मान इबन मजमून का वो अमल था जो वो दुनिया में जारी करके गए अब उनके लिए क़्यामत में एक चश्मा बन गया पाँचवीं बात फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स दुनिया में दीन पर मज़बूत रहता है दीन पर सख्ती से अमल करता है तो इसकी जो सूरत मिसाली है वो मिसल लिबास इंसान जो लिबास पहनता है ना इसकी तरह हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ील्न फ़रमाते हैं कि आप सलातुअलम ने फ़रमाया मैंने ख्वाब देखा कि लोगों को मेरे रू बरू यानि मेरे सामने पेश किया गया एक, एक करके तो क्या देखा कि जो शख़्स आता है उसने कुर्ता पहना हुआ है कुरता ऊपर के लिबास को कहते हैं तो लोगों की हालत मुख्तलिफ थी किसी का कुर्ता उसके सीने तक यानि इतना छोटा सा कुर्ता था किसी का उससे नीचे किसी का उससे ज़रा नीचे लोग आते जा रहे हैं चलते चले जा रहे हैं उमर रजी अल्लाहु अन्हु जब पेश हुए तो उनका कुर्ता इतना बड़ा था कि गोया वो ज़मीन पर खींचते हुए जा रहे थे तो लोगों ने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम आपने इस ख्वाब की क्या ताबीर फिर मुराद ली क्या मतलब इसका आपने फरमाया इसकी ताबीर दीन है और उमर का दीन इतना मजबूत है कि गोया के वो कुर्ते की तरह उनके कद से भी बड़ा है इतने मजबूत ईमान वाले थे आगे फरमाते हैं कि जो बंदा दुनिया में इखलास के साथ इल्म सही हासिल करे तो इसकी सूरत मिसाली मिसले दूध के हैं दूध की तरह है अब्दुल्ल इबन उमर रज़ील् फरमाते हैं कि मैंने आप आपलातुसम से सुना कि मेरे पास ख्वाब में दूध का एक प्याला लाया गया मैंने उससे पिया और इतना पिया उस दूध को कि उसकी सहराबी का असर अपने नाखूनों से निकलता हुआ पाया जैसे बाज़ दफ़ा इंसान पानी ज़्यादा पी लेता है इतना पी लेता है कि लगता है कि हाथों में पैरों में हर जगह पानी ही पानी हो गया तो दूध इतना पिया कि लगा कि हाथों के नाखूनों से निकल रहा है फिर भी उस प्याले में दूध बच गया तो मैंने वो प्याला हज़रत उमर को दे दिया आप फरमा रहे जब आपने ख्वाब सुनाया तो फिर साहबा ने पूछा कि आपने इसकी क्या ताबीर ली फरमाए इसकी ताबीर इल्म है इतने बड़े शान वाले साहबी तो अर्ज कर और भी बहुत सारी रिवायात है अर्ज़ करने का मकसद ये है कि जितने नेक नेकमाल की तोफ़ी अल्लाह पाक दुनिया में बंदे को दे दे तो बंदा उसको करने में तख़िर न करें इखलास के साथ उसको फौरन कर ले इसलिए कि हर नेक अमल की एक सूरत मिसाली है एक ख़ूबसूरत शक्ल उसकी आखिरत में बन रही है और जब हम जाएंगे तो वो सारी सूरतें वो इनामत हमारे लिए इनशल तैयार होंगे अल्लाह पाक सही अमल की तौफीक नसीब फरमाए